दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सुपर फास्ट मासिक सीजन टिकट पुनः शुरू किए जाने पर नागपुर मंडल परामर्शदात्री सलाहकार समिति सदस्य इंजीनियर जसपाल सिंह चावला ने आभार व्यक्त किया। कोरोना काल के लंबे समय करीब 2 वर्ष से सुपरफास्ट मासिक सीजन टिकट सभी ट्रेनों के लिए बंद कर दी गई थी, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हो रही थी। वर्तमान में कोरोना का प्रभाव लगभग खत्म सा हो चुका है। यात्रियों को हो रही असुविधा को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल परामर्शदात्री सलाहकार समिति सदस्य इंजीनियर जसपाल सिंह चावला ने सुपरफास्ट मासिक सीजन टिकट शुरू करने की मांग कई बार रेल मंत्रालय एवं प्रशासन से की थी, जिसे रेल प्रशासन द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 12 जुलाई 2022 से रोजाना अप डाउन करने वाले यात्रियों को सुपरफास्ट मासिक सीजन टिकट देना शुरू कर दिया गया है। सुपरफास्ट मासिक सीजन टिकट से यात्री घोषित ट्रेनों के द्वितीय श्रेणी के अनारक्षित डिब्बों में यात्रा कर सकेंगे। चावला ने बताया कि उन्होंने सुपरफास्ट मासिक सीजन टिकट के साथ साथ सीनियर सिटीजन टिकट आदि सभी सुविधाएं पूर्ववत की तरह शुरू करने की मांग भी काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। नागपुर मंडल परामर्शदात्री सलाहकार समिति सदस्य इंजीनियर जसपाल सिंह चावला ने कहा कि रेल प्रशासन उनके द्वारा की जा रही यात्रियों की सुविधा हित की अन्य सभी मांगों को भी जल्द स्वीकृत कर यात्रियों को राहत प्रदान करेगा। सुपरफास्ट मासिक सीजन टिकट यात्रियों के लिए पुनः पूर्ववत की तरह शुरू करने पर चावला ने माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, महाप्रबंधक आलोक कुमार, मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर सिंह उप्पल, वरिष्ठ वाणिज्य मंडल प्रबंधक रवीश कुमार सिंह, सांसद अशोक नेते सुनील मेड़े एवं पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल का आभार व्यक्त किया है। गोंदिया से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।